एकमा नगर पंचायत के हेकाम गांव के सुनरदेव राम ने आरपी भारत संवाददाता से वार्ता कर बताया कि मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में हर समुदाय के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उसे धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। उन्होंने आगे कहा, नौजवानों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। पूर्व में भोरहोपुर के मुखिया के पद पर रहकर क्षेत्र का विकास किया है। इस बार भी जनता के कहने पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। उक्त मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुनरदेव रामपुर, मुखिया भोरहोपुर पंचायत। मैं पहले भी अपने पंचायत का 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और अब यह जो एकमा नगर पंचायत की यह जो आरक्षण के द्वारा यह जो चेयरमैन का सीट ही आरक्षित हुआ है, इस पर मैंने जनता के कहने पर मैं इस नगर पंचायत के चुनाव में चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में मैं आया हूं। और मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकार की योजनाएं जो चलाई जाएगी, मैं अपने नगर पंचायत में सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि एकमा नगर पंचायत विकास के रूप में दिखाई देने लगे। यही मेरी मंशा है और जनता सभी मुझे, मेरे साथ नौजवान साथी और जनता मेरे साथ है। आप लोगों के सामने ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं लोगों के सहयोग से मैं यहाँ नगर पंचायत के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया। सर, जीत के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा? ये एजेंडा रहेगा कि जो सरकार की धार का जो गाइडलाइन मिलेगा उसके हिसाब से मैं लोगों का काम करने का प्रयास करूंगा। बेरोजगार युवक जितने भी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? छात्र छात्राओं के लिए जो हमारे पास करने के लिए जो भी सुविधाएं सरकार को गाइडलाइन मिलेगा, वे गाइडलाइन के हिसाब से मैं छात्र छात्राओं या गरीब हो, नौजवान हो, साथी हो या जो भी लोग हो, जाति पाति मुझे नहीं करना है, जात पात से ऊपर उठ करके मैं अपना प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। कुछ लोग तो पूर्व में अभी चुनाव भी नहीं लड़े थे, अभी वर्तमान में वो आकर के चुनाव मैदान में कूदे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? उनके विषय में मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत पुराने यहाँ 5 साल के पहले से भी मैं राजनीति करते आया हूँ। आज भी जनता के कहने से जनता के बीच में मैं आया हूँ। आज जो आए हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो नया उनकी मंशा है, वे जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे। बहुत लोग नौकरी करते हैं और ये अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिए हैं, जबकि यह पत्नी का आरक्षित सीट नहीं है, यह पुरुष का सीट है। और वे लोग अपने मन चाहे नौकरी करने वाले लोग अपनी पत्नी को लड़ा दिया है, जो कि कभी भी राजनीति में वह लोग रहे भी नहीं है, आज नए चेहरा लेकर के आए हुए हैं। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।